बिहार के सहरसा से हमारे साथ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह। जेल प्रशासन के खिलाफत बगावत का बिगुल फूका। सहरसा कारा मंडल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने व्यवहार न्यायालय में पेशी के दौरान मीडिया को दिए कई चौंकाने वाले बयान। सहरसा कारा मंडल के सुपरिटेंडेंट पर लगाए गए कई गंभीर आरोप। कारा मंडल में बंद महिला कैदियों के साथ बदसलूकी से लेकर कई अमानवीय व्यवहार का लगाया आरोप। साथ ही कहा कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा मिली मौन स्वीकृति के बाद होती है कारा मंडल में सिपाहियों का नंगा खेल और जेल प्रशासन बनी रहती है मूक दर्शक। जेल प्रशासन के द्वारा रमजान में सरकार प्रदत्त सुविधा से रोजेदार को रखा जाता है वंचित। सड़े फल और सड़े कले दिए जाते हैं रोजेदार को। ये है सेब, ये है आपको नींबू और ये है केला। एक दिन पहले दिया गया है, ये सही है, लेकिन नहीं तो कल से अगर वो अनशन पर उतरे तो बाध्य होकर के हम पूरा जेल अनशन पर उनके समर्थन में जाएंगे। रमजान के महीने में एकदम सड़ा हुआ फल दिया गया है। सांसद महोदय आ रहे दो मिनट, कहा कि सारे छत चूरे हों तो हालांकि बारी बारी से क्रमबद्ध कर चार महीने में हम जानना चाहेंगे कि चार महीने में क्या निर्माण कार्य हुआ, क्या निर्माण कार्य हुआ और छत आज भी एक बरसात नहीं झेल पाया। ये जांच का विषय है कि पिछले चार महीने में यहाँ निर्माण कार्य और मरम्मति क्या हुआ, ये जांच का विषय है। रोजेदार को जो वाजिब डाइट होना चाहिए, साधारण डाइट, वो भी नहीं दिया जा रहा। सड़ा फल वाला मामला क्या है जेल के अंदर? सड़ा फल ये जब पिटीशन दिया लोगों ने कल कारा महानिरीक्षक के नाम पर, तब ये फ्रूट्स दिया गया, जबकि महीना में पखवाड़े, ये सप्ताह में तीन दिन फ्रूट्स देने का है। छः महीने के बाद फ्रूट्स कल गया है, और किसको? रोजेदारों को, बाकी जनरल को भी। वो भी सरा हुआ फल, वो भी सरा हुआ। आरक्षी आई है, इनके दलाल पी करके रात के 12 बजे दारू पी करके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़खानी की कोशिश की, लिखा पढ़ी में गया मामला, सुपरिंटेंडेंट उसको दबा के छुट्टी पर भेज दिया। ऐसे लोगों इस ये विस्फोटक स्थिति बन गई है। हम ये कहना चाहते हैं, इन तमाम बातों का हम लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह सचिव को, आपको कारा महानिरीक्षक को और माननीय मुख्य न्यायाधीश तक को भी, मानवाधिकार को हम लोगों ने लिख के दिया है। 593 बंदी आज भी अल्पसंख्यक बंदियों का जा रहा आवेदन, उनको माहे रमजान के 12 दिन बीत गए, आज तक जो सरकार प्रदत्त सुविधा है उसको तो छोड़ दीजिए, उसका जो वाजिब डाइट है वो भी नहीं दिया गया। एसडीओ जांच में आए, वो जांच कहाँ चला गया? हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गए निरीक्षण में, निरीक्षण न्यायमूर्ति आए, इनके रिक्वेस्ट पर, जिला जज साहब के रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने ये कह करके कि एक सप्ताह से एक पखवाड़े तक निर्देश दिया इन्होंने स्पष्ट कि सारे मामले को सुधारो, आज तक कुछ नहीं हुआ। स्थिति अत्यंत अराजक, अनियमितता आसमान पर है, इनकी मनमानी चल रही है। चार स्टाफ, पांच स्टाफ, दलाल स्टाफ को छोड़कर कोई कक्षपाल, कोई विद्युत कर्मी, कोई सफाई कर्मी, नाई, पंडित, मौलवी, मेस्तर, कोई खुश नहीं। देखिए, मामला पिछले 6 महीने से आप लोग देखते सुनते आए सहरसा जेल की स्थिति को, बार बार हम लोग बोलते रहे, बाहर परिजनों ने धरना किया, बंदी के परिजनों ने बंद करवाया, आप उसके गवाह, बेहतर, हमसे बेहतर, हम लोग को पूर्णिया भेजा गया। हक का सवाल उठाने पर वर्तमान सुपरिंटेंडेंट के बाद जो स्थिति बनी है वो बद से बदतर स्थिति, विस्फोटक स्थिति। हम लोग हक की बात उठाए, 350 बंदियों को मरम्मति के नाम पर भेज दिया गया, अररिया, पूर्णिया और सुपौल, 350 बंदियों। हम जानना चाह रहे हैं, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चार महीने में, एक महीने के लिए भेजा गया था कि छत टपक रहा है, निर्माण कार्य है, पाखाना का टैंक बनना है, सड़कें बननी है, सड़क और पाखाना का टैंक बनाने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता।